ऐसी टिप्स जिनसे आपका जेई आराम से क्लियर हो सकता है। तो बात करते हैं मुझसे, आई एम धीरज मौर्य, करंटली स्टडिंग इन IIT रुड़की सेकेंड ईयर। और जनरली मैं ऐसी वीडियो बनाता नहीं हूँ, पर मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स आर IITS फ्रेंड्स, तो हियर इज वीडियो फॉर यू गाइज। टिप नंबर जीरो, तो गाइज दिस टिप इज़ फॉर पेरेंट्स के अगर आपके बच्चे को जेई करना है, ये आप उससे खुद पूछिए। अगर उसे खुद से करना है तो ही करवाइए, अगर उसे खुद से नहीं आता तो उससे पूछ लीजिए उसे क्या करना है। दैट विल बी, अगर उसका खुद का मन होगा तभी वो कर पाएगा, अगर आप ज़बरदस्ती करोगे तो उसका कोई आउटकम निकलेगा और आपको ही ज़्यादा बुरा लगेगा फिर। तो ओके, तो आगे की टिप्स स्टूडेंट्स के लिए, तो टिप नंबर वन, स्टार्ट बिलीविंग इन योर सेल्फ। अगर आप हार्डवर्क कर रहे हो, अगर आप डेली मेहनत कर रहे हो, रोज़ घंटों घंटों मेहनत कर रहे हैं, तो अपने आप पे भरोसा रखो। जेई ज़रूर आपके लिए है, और 100% दे रहे हो, अपना मॉक टेस्ट लगा रहे हो, प्रीपैकेज लगा रहे हो और मेहनत कर रहे हो, डेली डेली पढ़ रहे हो, तो ऑब्वियसली यार आप इन जैसे लोगों के लिए है IIT। स्टार्ट बिलीविंग इन योर सेल्फ, खुद पर भरोसा रखो, हो जाएगा भाई। जेई इज़ नॉट बहुत टफ नहीं है, जस्ट यू हैव टू डू सम स्मार्ट वर्क और ट्रिक्स के साथ खेलना पड़ता है थोड़ा। यू हैव टू फॉलो सम स्ट्रेटजी, और अगर आप वो स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं तो गाइज वेलकम टू IIT। टिप नंबर टू, तो गाइज जेई इज़ मेड फॉर यू और नॉट। तो अगर आपके घर वाले आपको रोज़ कह रहे हैं कि पढ़ो 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 पढ़ो, अगर आपके टीचर लोग आपको रोज़ कह रहे हैं पढ़ो 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 पढ़ो, और अगर आपको पढ़ाई से आप दूर भागते हो या अंदर से आपको मन नहीं करता पढ़ने का, तो गाइज IIT छोड़ो, जेई इज़ नॉट मेड फॉर यू। ओके, तो अगर आपके अंदर से नहीं आता कि मुझे खुद से पढ़ना है, तो थोड़ा सा थोड़ा एक्सप्लोर करो, हो सकता है आपके लिए कुछ और बनाओ। तो टिप नंबर थ्री, तो एन्जॉय द जर्नी। जेई की जर्नी बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है, आप इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सीखते हो, कंसिस्टेंसी, परसिवरेंस, डेडिकेशन, घंटों घंटों मेहनत करना, तो यही होती है जेई की जर्नी। कि आप सोचो कि जेई की जर्नी से आप अच्छा कॉलेज पा सकते हो, तो नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है। जेई जर्नी इज़ नॉट मेड के आप कॉलेज पाओ। जेई जर्नी का सीधा सीधा मतलब ये रहता है कि आप जितनी मेहनत अभी जेई में कर रहे हो, उतनी ही मेहनत आपको आगे लाइफ में करना है। तो वही बात होती है कि आप वो मेहनत करना सीखते हो, तो वही मेहनत आप जब अपनी लाइफ में आगे कंटिन्यू रखोगे, तो गाइज अगर आप IIT में पहुँचो ना पहुँचो, बट यू विल बी सक्सेसफुल इन लाइफ। तो एन्जॉय द जर्नी गाइज। द फोर्थ टिप इज़ स्टे फोकस्ड एंड कंसिस्टेंट। तो 10 लाख प्लस बच्चे हर साल जेई में बैठते हैं और उनमें से कुछ ही निकल पाते हैं। तो फोकस्ड रहो, कंसिस्टेंट रहो, और अपना मॉक टेस्ट देते रहो, PYQs लगाते रहो, अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग रखो, हर दिन क्लास जाओ, अपने घर वालों की रिस्पेक्ट करो। क्योंकि यार ऐसा रहता है कि जब घर वालों की रिस्पेक्ट करोगे तो वहीं आपका लक लक काम करेगा। क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप अपने घर वालों की रिस्पेक्ट करो, अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करोगे, तो कहीं ना कहीं आपका वो भी आउटकम निकलेगा। और अगर आप घर वालों से अच्छे से पेश नहीं आओगे, उनकी डिसरिस्पेक्ट करोगे, उनसे अच्छे से बात नहीं करोगे, तो कहीं ना कहीं वो आपके पेपर में इफ़ेक्ट करता है, और कहीं ना कहीं अच्छा नहीं रहता है। आपके जो कर्मा रहता है वो सही नहीं रहता है। तो अच्छे काम करो भाई, ठीक है। तो स्टे अवे फ्रॉम टॉक्सिक पीपल्स। टॉक्सिक पीपल्स मतलब यार जो लोग होते हैं ना कि आपसी में ही जल रहे हैं, आपके कुछ दोस्त होंगे आपस में कंपटीशन कर रहे हैं। कंपटीशन इज़ गुड, अगर हेल्दी कंपटीशन है तो इट्स गुड, बट अगर आपका दोस्त आपको नीचे करने का ट्राई करता है, ताने मारता है, अलग 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 वैसे बोलते हैं, तो इग्नोर दोस्त टाइप ऑफ पीपल्स। और अगर जो कोई दोस्त है आपका, जैसे आपको ऐसे बोलता है कि चलो और बाहर चलते हैं, घूमने फिरते हैं, चलते हैं, अरे पढ़ लिया हो गया, बहुत हो गया, नहीं भाई, देयर इज़ वॉट कि आप गलत हो, इस जगह पर आप गलत हो, तो छोड़ो भाई ऐसे दोस्त को, और अपना काम पर फोकस्ड रहो। और अगर आपका, और ऐसे लोगों से दोस्ती करो जो जो कि आपको काम की तरफ फोकस्ड रहने के लिए मोटिवेट करते हैं, और पढ़ते रहो भाई, पढ़ते रहो मज़े से। तो आज की आखिरी टिप, लास्ट बट नॉट लीस्ट, तो भाई अगर आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट चलाते हो और थोड़ा एक्टिव रहते हो जैसे, तो भाई हटा दो, 2 साल 3 साल के लिए हटा दो, उसके बाद इंस्टा खूब चलाना, खूब फ्लेक्स करना है IIT का, तो कुछ टाइम के लिए हटा दो, वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, और काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ये ब्रह्मास्त्र ट्रिप है, अगर आपने ये चीज़ कर ली, ये सेक्रीफाइस कर लिए, कुछ ही सेक्रीफाइस हैं, तो अगर आपने ये टैकल कर लिए, तो भाई IIT आपका स्वागत करेगी, निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर और भी वैसी वीडियोस चाहिए हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, ऐसी वीडियोस मैं और भी लाता रहूँगा। तो ओके, तो पढ़ते रहो भाई, मेरी तरफ से बेस्ट विशेस आप सभी बच्चों को, तो मिलते हैं IIT में। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, धमाके लाइक और शेयर ठोक दीजिए।
के पास।